सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो मथुरा में ये पहला सुबह, कल भी सुबह नहीं हुआ था क्योंकि कल हम लोग सुबह में पहुंचने वाले थे, बट ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 5 घंटे शायद, 5 से 6 घंटे लेट हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग दोपहर में 1 बजे शायद हम लोग आए थे मतलब होटल में। आज ये सुबह बहुत, हम लोग रात में भी नहीं सोए हैं, रात भी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे हम लोग बाहर देख के। और मम्मी अभी नहीं रेडी है, अब मम्मी नहाने जाएगी, हम नहा के रेडी हो गए। क्या फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया होगा। गुड मॉर्निंग, मम्मी गुड मॉर्निंग बोल रही है, आप लोग भी गुड मॉर्निंग कर दीजिएगा। बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रहा है और हवाएं भी बहुत तेज है। कोई बात नहीं, इतना अच्छा लगता है। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रही है। और आज हम लोग जाने वाले हैं बरसाना, कल हम लोग नहीं जा पाए थे, फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। सो गाइस, फाइनली हो गए रेडी और अब निकलने वाले हैं हम लोग। हम सबसे पहले नहा के रेडी हो गए थे, ब्लॉग उसी टाइम स्टार्ट कर दिए थे, बट और लोग नहीं नहाए थे, मम्मी और शिवानी, तो इसलिए लेट हो गया। और सुबह सुबह हवा एकदम ठंडा ठंडा सा, मौसम भी बहुत ही सुंदर, देख सकते हैं मेरा कैसे साड़ी उड़ रहा है। तो चलिए चलेंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और आज तो फ़ोटो कैसे ले, समझ में नहीं आ रहा है। कल तो उधर से धूप था तो वहाँ रख के ले लिए थे, आज पता नहीं कैसे थे, देखते। सो गाइज, यहाँ पे हम मम्मी और शिवानी निकल चुके थे ऑटो से बरसाना जाने के लिए। और ऑटो डायरेक्ट बरसाना भी जाता है अगर आप उसको रिज़र्व करते हो तो। हम लोग को ऑटो से ही जाना चाहिए था, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, समझ नहीं आया। यहाँ ऑटो से हम लोग गए, फिर वहाँ पे जो बस वाले भैया थे वो बोले कि ये डायरेक्ट हम बरसाना पहुँचाएँगे, तो हम लोग बस में बैठ गए यहाँ पर। फिर आधे रास्ता में बोले ना कि वो बरसाना नहीं पहुँचाएँगे, बरसाना से पहले ही पहुँचा देंगे, फिर आपको ऑटो से जाना होगा। सच में बहुत गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्यों, कि वो झूठ क्यों बोले, ऑटो डायरेक्ट जा रहा था, हम लोग उसी से चले जाते। तो गाइस, फिर हम लोग बैठे ऑटो पे और बस वाले धोखा दिए हैं, वो वहाँ से बैठा है, झूठ बोले वो क्योंकि वो बैठा है बोल के कि हम डायरेक्ट बरसाना उतारेंगे, बट वो आधे रास्ते में उतार दिए, वो सही नहीं था क्योंकि हम लोग को वहाँ ऑटो मिल रहा था, जो हम लोग को बोल रहे थे कि डायरेक्ट हम बरसाना घुमा के फिर वापस वहीं पर हम लोग को मथुरा पहुँचा देंगे, बट वो बोले नहीं नहीं हम भी बरसाना जाएंगे। तो हम लोग लगा ठंड बहुत है, चलो बस में बैठ जाते हैं, ठंड कम लगेगा, बट धोखा दे दिए। ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि सही नहीं है करना, धर्म और ये सब, मतलब जो धर्म स्थल है यहाँ पे धोखाधड़ी करना, धांधली चलाना सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसलिए। तो चलिए अभी हम लोग बरसाने के लिए निकल गए हैं फिर से ऑटो में बैठ के, तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय करिए। और एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर। सो गाइज, ये जो फीलिंग्स था ना, जो ये रास्ता देख रहे थे बरसाना का रास्ता जाते हुए, मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो खुशी। सही कहा गया है कि आप मथुरा, बरसाना, वृंदावन एक बार जाके देखो, लौट के नहीं आ पाओगे। सच में मेरा दिल आज भी वहीं पे है और मेरा मन ही नहीं लग रहा है, हम आ चुके हैं तो लग रहा है कि फिर जाएँ फिर जाएँ। तो देख सकते हैं अब हम तुरंत पहुँचने वाले भी हैं बरसाना, और मथुरा से बरसाना काफ़ी दूर है, तो देख सकते हैं यहाँ आ गए हम लोग बरसाना। सो गाइस, आ गए बरसाना और राधे राधे बोल दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ राधा रानी का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है जो आपको बैक कैमरे से दिखा। फिर से यहाँ पे बच्चा आ गया टीका लगाने के लिए, और छोटे छोटे से बच्चे भी लगाते हैं, और ये बच्चे को उतने अच्छे से लगाने नहीं आया था, बट कोई नहीं, ये तो एक बस पार्ट है और दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ वही है, ये तो बस अच्छा लगता है तिलक लगाना हम हिंदुओं को, तो इसलिए लगा लेते हैं। और मेरा तो मतलब मेरे को करवाना था, जैसे आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, राधा रानी टाइप मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बच्चा बोला ना कि हम कर देंगे, आपका कर देंगे, तो यहाँ पे हम डर रहे थे कि करने आएगा नहीं आएगा बच्चे को, बट बहुत मतलब जिद किया तो हम बोले ठीक है कर लो, बट करने नहीं आया था, आपको हम दिखाएँगे आगे जैसा, मतलब बस वो कर दिया, मन था तो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन करने नहीं आया था बच्चे को। फिर मम्मी चाय पी के यहाँ पे आ रही थी, देख सकते हैं, और ये बहुत ऊपर ऊपर से बच्चे ने कर दिया था, जैसे सजा के मेरे को प्रेम मंदिर में वो की थी टीका, वैसा नहीं था, फिर भी हम करवा लिए,
क्योंकि बहुत मन था इस बच्चे का और मन रख देना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी को भी टीका कर रही थी, देख सकते हैं। और पता नहीं क्यों आज हम तीनों का, मेरा, शिवानी और मेरी मम्मी का, तीनों का टीका जो हुआ था ना वो टेढ़ा ही हो गया था, पता नहीं क्यों। और फिर भी खूबसूरत तो बहुत लग रहा था। और राधे राधे हो, कैसा भी हो, अच्छा ही लगता है, क्योंकि राधे राधे तो सब कुछ ही हैं। और राधा रानी जी के दरबार में हम लोग जाने वाले थे फाइनली, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत खुशी था और यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सुने हुए थे कि बरसाना जल्दी कोई नहीं पहुंच पाता है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो एक ये था कि जल्दी से दर्शन हो जाए तब हम मानेंगे कि हाँ बरसाना आ गए, क्योंकि दोपहर में शायद बंद हो जाता है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये गली है बरसाना जाते टाइम, मतलब मंदिर में, लाडली जी के मंदिर में जाते टाइम रास्ते में, ये तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं बरसाने की गलियों में। कैसा लग रहा है राधा रानी से मिलके? तो चलिए देखते हैं, हाँ आके देखते हैं, चला जाए अभी। तो अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, 12 बजे मंदिर बंद भी हो जाता है, थोड़ा आने में हम लोगों को लेट हो गया है। फिर यहाँ पे सोचे कि यहीं से ले लेते हैं प्रसाद, लेकिन फिर सोचे ऊपर से लेना चाहिए था। यहाँ पे हम देख रहे थे चुनरी भी, बहुत प्यारी प्यारी सी चुनरी थी, बट हम नॉर्मली चुनरी लिए जो रेड कलर का है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ से हम प्रसाद भी ले लिए लाडली जी को चढ़ाने के लिए। और प्रसाद हर जगह मिलता है, आप ऊपर मंदिर में चढ़ जाओगे ना तो वहाँ पे मिलता है, तो मेरे को वहीं से लेना चाहिए था। हम लोग यहीं से ले लिए थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग ले लिए फूल वगैरह सब कुछ जो था, और ये वाला जो चुनरी रेड दिख रहा है ना, यहीं वाला हम लिए थे, देख सकते हैं। तो ये प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये वाला ले लिए हम लोग। और फिर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे हम लोग, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं बरसाना में जब चढ़ना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं फूल वगैरह जो भी था सब हम लोग ले लिए। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, रज धाम राधा जी की रज धाने लागे, रज धाने लागे, मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। सो गाइस देख सकते हैं बरसाने में बहुत सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत। और पता है मम्मी आ रही थी, मम्मी से चला भी नहीं जा रहा था, बट मम्मी का ये जो खुशी है ना, क्या बोले, बहुत टाइम बाद मम्मी को इतना खुश देखे थे। और हम ऐसे ही चाहते हैं कि मम्मी को बहुत सारा धाम कराएं, बहुत जगह ले के जाएं, और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे शिवानी पूरा आगे चली गई थी, बट हम मम्मी को साथ लेके जा रहे थे, क्योंकि मम्मी से चला नहीं जा रहा था, तो इसलिए आपको शिवानी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो ऊपर चली गई थी। और हम मम्मी को धीरे धीरे लेके आ रहे थे रोक रोक के, ताकि मम्मी को सीढ़ी, मतलब मम्मी को सीढ़ी चढ़ना मना है, डॉक्टर मना किए हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम थोड़ा, मतलब 10 सीढ़ी चढ़ रही थी, फिर हम रोक दे रहे थे 5 मिनट के लिए, फिर 10 सीढ़ी चढ़ रही थी, फिर देखिए श्री लाडली जी महाराज बरसाना, मतलब ये देख के बरसाना चढ़ रहे हैं राधा रानी से मिलने के लिए। काफ़ी सीढ़ी है, मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मम्मी, क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ना मना है मम्मी को, तो इसलिए हम लोग थोड़ा रेस्ट कर करके जा रहे हैं। शिवानी तो बहुत आगे चली गई, हम लोग पीछे ही हैं, और प्रसाद भी ले लिए हैं, तो चलिए चलते हैं। चलिए मम्मी हम करीब 1 घंटे तक दर्शन किए थे वहां जाके, बट कुछ रिकॉर्ड नहीं किए, थोड़ा सा क्लिप किए, और ये भी इसलिए किए ताकि आप लोग दर्शन कर लो, वरना मंदिर के अंदर तो मन ही नहीं कर रहा था, बाहर निकल के मन कर रहा था, बट जहां पे विराजमान थी राधा रानी वहां पे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि हम कुछ रिकॉर्ड करें। बट फिर सोचे कि मेरा जो वीडियो देखेंगे वो दर्शन कर लेंगे, बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए रिकॉर्ड कर लिए। राधा
रानी का, और उनका माला भी मिला, देख सकते हैं आशीर्वाद और चुनरी भी। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, इसलिए ब्लॉगिंग कम कर रहे हैं और यहाँ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देख, मतलब मन ही नहीं भर रहा था। हम लोग 4-5 बार गए थे दर्शन करके, पास से फिर आए, ऐसा हो रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ मम्मी गए थे, और यहाँ से नज़ारा देखिए, जब हम बरसाना, मतलब पूरा जो गांव दिखता है बरसाना का ना, इतना खूबसूरत लगता है, लगता है कि देखते रहें। पूरा तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए हम, थोड़ा बहुत ही किए हैं, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे तो वहीं मम्मी थोड़ा सा रिकॉर्ड की है। और मतलब याद भी नहीं रहता था कि ये करना है वो करना है, बट फिर हम सोचे कि नहीं, करना तो पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये फ़ोटो पता है क्लिक तो करवा लिए, फिर बाद में लेना भूल गए थे, पता है वहाँ फ़ोटो क्लिक करते हैं भैया लोग बहुत सारे, तो हम मम्मी भी फ़ोटो क्लिक करवाई थी, हम भी, बट फिर हम लोग जब लेने गए ना, जो नहीं निकाल के वहीं पे दे देते हैं वो वाले, तो फिर हम लोग लेने गए तो वो मतलब जा चुके थे शायद हम लोग, क्योंकि इस मंदिर में ना 2 से 3 घंटे थे, मन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग यहाँ से निकले, ऐसा हो गया था, और नहीं तो हम लोग बहुत जगह घूम लिए होते, बट इतना मन मोह हो जाता है ना, मन मोहा गया था। सो गाइज, जो जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और एक बार वृंदावन बरसाना ज़रूर जाइएगा। जितने भी टेंशन होंगे, जितना भी बॉदर हो रहा हो मन, कितना भी डिप्रेशन हो, यहाँ जाके एकदम आप ठीक हो जाओगे। सच्ची बोल रहे हैं हम, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मतलब बोल ही नहीं सकते, मतलब मेरा क्या फीलिंग्स था यहाँ पे, इमोशनल भी थे, बहुत खुश थे, और मेरा बार बार मन हो रहा है जाने का। और हम चाहते हैं कि राधा रानी और कान्हा जी मेरे को फिर से बुलाएं और हम फिर से जाएं, और प्लीज़ आप लोग भी प्रे करिएगा कि हम जा पाएं फिर से, और हम बहुत खुश रहें बहुत। फिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सात्विक भोजन किए, जो बिना लहसुन प्याज का था, तो यहाँ पे मम्मी को खिलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाता है, और मेरे से तो खाया ही नहीं गया, एकदम मन नहीं हो रहा था खाने का। और यहाँ पे शिवानी थी, वो भी मतलब खाई थोड़ा, और हम भी खा लिए। फिर हम लोग को नेक्स्ट जगह जाना था, तो देखते रहिए ब्लॉग नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाते हैं। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, मेरा मन ही हो रहा है फिर से चले जाएं, अभी ही चले जाएं। तो और जो पार्ट होगा ना, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आपको अच्छा लगेगा कि बरसाना का एक हम सेपरेट ब्लॉग ये शेयर कर रहे हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा गाइज, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, और जय श्री कृष्ण भी। और प्लीज़ आप लोग भी एक बार ज़रूर जाइए वृंदावन और घूमिए, बहुत सुकून मिलेगा, ट्रस्ट मी। तो चलिए राधे राधे।